Today I will explain you about introduction to internet. Internet is a massive network of networks that connection millions of computers across the globe. The individual computers are connected to the some powerful computer are called servers. इंटरनेट क्या है? बहुत सारे बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर पूरे ग्लोब के कनेक्टेड होते हैं. द इंडिविजुअल कंप्यूटर जो होता है कनेक्टेड सम पावरफुल कंप्यूटर इज कॉल्ड सर्वर. उसे क्या बोलते हैं? सर्वर कहा जाता है. दिस सर्वर स्टोर फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट. और इस सर्वर पर बहुत सारी फाइलें और इंफॉर्मेशन होती है. किस फॉर्म में? वेबसाइट की फॉर्म में. और दिस फाइल्स कैन बी एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन. और इन फाइल इन वेबसाइट का कोई भी यूजर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी है वो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू इसका यूज ले सकता है. वेबसाइट्स कंटेन डिफरेंट पेज आर कॉल्ड वेब पेज. वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट पेज होते हैं और जिसे हम वेब पेज कहते हैं. द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज. फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का वो होम पेज कहलाता है. होम पेज कंटेन लिंक टू अदर वेब पेज. होम पेज में क्या होता है? जो जितने भी अदर वेब पेज है उनका लिंक होता है. वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ वेब पेजेस दैट आर रिटन इन HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. वेबसाइट किससे बना होता है? वेब पेजेस से बना होता है. और ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML में बनी होती है. वेब पेज एंड वेब ब्राउजर. वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. वेब पेज है वो HTML लैंग्वेज में लिखा होता है. यू कैन रीड HTML डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड वेब ब्राउजर. आप HTML डॉक्यूमेंट है वो इंटरनेट के ऊपर कौन से वेब ब्राउजर मतलब प्रोग्राम से जिसे आप रीड कर सकते हो वो है वेब ब्राउजर. ए वेब ब्राउजर रीड HTML डॉक्यूमेंट कन्वर्ट देम टू फॉर्म दैट यूजर अंडरस्टैंड एंड डिस्प्ले देम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. वेब ब्राउजर क्या है? रीड्स HTML डॉक्यूमेंट को पढ़ता है उन्हें कन्वर्ट करता है अंडरस्टैंड करता है और डिस्प्ले करता है कंप्यूटर स्क्रीन पे. वेबसाइट्स. वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ लिंक वेब पेज विथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन. वेबसाइट क्या है? वेब पेज इसका लिंक होता है जिसमें रिलेटेड उस वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है. वेब पेज कंटेन लिंक टू अदर प्लेस ऑन सेम पेज टू वेब पेजेस ऑफ सेम वेबसाइट. वेब पेजेस कंटेन लिंक ऑफ अदर प्लेस ऑफ सेम वेब पेजेस एंड टू वेब पेजेस ऑफ सेम वेबसाइट और द वेब पेजेस ऑन द अदर वेबसाइट. वेब पेजेस में भी अलग अलग लिंक होते हैं और उस वेब पेज के मतलब जो आपकी वेबसाइट है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं और उसके अंदर लिंक के थ्रू आप वन बाय वन उसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं. दे कैन ऑल्सो कंटेन फिल इन फॉर्म फोटो क्लिकेबल इमेज ऑडियो फाइल एंड वीडियो. इसके अंदर कंटेंट जो होते हैं वो फॉर्म में फोटो में क्लिकेबल इमेज में ऑडियो फाइल में वीडियो फाइल में होते हैं. वर्ल्ड वाइड वेब. द वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली द वेब इन अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल वेब पेज स्टोर ऑन कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली द वेब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज होते हैं जो स्टोर ऑन कंप्यूटर होते हैं और मतलब स्टोर ऑन कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है. इट इज इजीली रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब फ्रॉम द वेब. वेब आप क्या कर सकते हो? ये सारी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हो इजीली. और दिस इज हेल्प टू पॉपुलराइज द इंटरनेट अमोंग कॉमन पीपल. वर्ल्ड वाइड वेब से क्या है हुआ है कि है ना इंटरनेट अमोंग पीपल जो कॉमन पीपल है उनमें भी पॉपुलर हो चुका है. वेबसाइट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन सेक्शन. वेबसाइट के थ्री मेन सेक्शन होते हैं होम पेज द मेन सेक्शन एंड द सब सेक्शन.
सबसे फर्स्ट है होम से होम पेज। होम पेज इज अ फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट है वो होम पेज है। दिस पेज यूजुअली टेल विजिटर व्हाट द साइट इज ऑल अबाउट। होम पेज क्या है? फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट है और ये यूजुअली विजिटर को बताता है कि इस यह साइट में क्या बताना चाह रहे हैं और किसके बारे में है। ऑल अबाउट द मेन सेक्शन is usually contain heading and particular area of website. वे main section में क्या होता है? heading होती है, heading of particular area of website. website के particular area के बारे में होती है। where a sub section contain most of the content. और sub section में सारे content होते हैं।